माय चैनल फ्रेंड्स, और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक यूएफओ क्रैश। अभी 9 जुलाई को रात के 9 बजे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें इस क्रैश के बारे में लिखा गया था। तो मैंने उस क्रैश के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी और मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया, और अब चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये क्रैश है, ये क्रैश अभी जो हमारे रशिया में 2018 के जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसके क्वार्टर फाइनल जो चल रहे थे इंग्लैंड और स्वीडन के बीच में, उससे सिर्फ 80 माइल दूर ये क्रैश हुआ है। और जो वहाँ के जो आई विटनेसेस थे उन्होंने इस क्रैश को होते हुए देखा है। कुछ विलेजर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा था कि ऊपर 2 UFOs थे जो कि एक डिस्क शेप के थे और वो उड़ रहे थे, और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ मैन्यूवर्स कर रहे थे ऊपर आसमान में, और उनमें से एक आके इनसे क्रैश हो गया था। और एक और विलेज का एक आई विटनेस था, आई विटनेस तो नहीं, वो घर में था, और उसने बताया है कि एकदम से उसे एक शॉक वेव सी फील हुई, और उसके बाद वो मतलब बाहर निकल के देखता है तो उसे ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे अराउंड 100 हेक्टर का लैंड वहाँ पे जला हुआ था, और उसके बीच में अंदर डिग होके अंदर घुसा हुआ था, वो था एक UFO। और उस UFO को देखने के बाद पता चला कि वो UFO कुछ देखने में एक डिस्क की तरह ही था, और वो कुछ सिल्वर कलर का था, और उसके ऊपर एक कुछ खोलने का बना हुआ था, और लोगों ने उसको खोलने की कोशिश भी करी थी, और उसका कुछ डायमीटर, क्योंकि वो डिस्क शेप का था तो उसका तो कुछ डायमीटर था, उसका डायमीटर दोस्तों कुछ 10 मीटर कुछ का डायमीटर बताया जा रहा है, और उसने 100 हेक्टर के लैंड को वहाँ के तबाह कर दिया है, बिल्कुल उसका आग वाग लगा दिया। और बताया जा रहा है कि जब वो एक्सप्लोजन हुआ, जब वो UFO नीचे आके गिरा, तो जो एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद से ही विलेजर्स, जितने भी विलेजर्स थे उन सबके सेल फोन्स के सिग्नल चले गए, वो किसी को कॉल नहीं कर पा रहे थे, कोई हेल्प के लिए कोई नहीं आ पा रहा था। और एक और चीज़ बताई जा रही है, वो ये है कि जब उन्होंने उसके मटेरियल को छुआ, UFO के मटेरियल को, किससे, वो देखने में तो मेटल लग रहा था, लेकिन जब उसको छुआ, उसको फील करा, तो बता रहे हैं कि वो एक फाइबर था, कुछ वो फाइबर पार्टिकल था, वो मेटल नहीं था, एक फाइबर पार्टिकल था। तो अभी तक के लिए तो वहाँ पर अभी इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, और अगर आगे कुछ मिलता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आप ये वीडियो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और प्लीज़ कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, जिससे हमें पता चले हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। थैंक यू।